आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं चितेश। सो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई अपने फॉर्चुनर से रिलेटेड। तो फॉर्चुनर का भाई जो टाइप 2 वाला मॉडल था वो आज कंप्लीट मॉडिफाई हो रहा है। भाई फॉर्चुनर एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स लोडेड होते हैं, बट जो फीचर्स है जो एसेसरीज उसके अंदर नहीं आती आज कंप्लीट उसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल होने वाला है। उसके भाई हेडलाइट्स वगैरह अपग्रेड हो रही है, आफ्टर मार्केट बैकलाइट्स अपग्रेड हो रही है, फुल इंटीरियर अपग्रेड हो रहा है, और भाई बेस्ट पार्ट जो पाल मोटर्स पे होता है वो होता है अपना ऑडियो से रिलेटेड। तो भाई ऑडियो भी कंप्लीट अपग्रेड हो रहा है। तो भाई वीडियो में हर एक चीज कवर करूंगा, कैसे कैसे काम हो रहा है, क्या हमारा सेटअप लग रहा है, तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो करते हैं अपनी फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, हेयर वी हैव टाइप 2 फॉर्चुनर, और भाई गाड़ी में बहुत सारे अपग्रेड्स हो रहे हैं। गाड़ी में जो भाई काम है वो हो चुका है बिल्कुल स्टार्ट। जो भाई फर्स्ट काम है, जो मेन काम आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके अंदर पूरी अपनी LEDs वगैरह अपग्रेड हो रही है, आप लोग देख सकते हो। और अगर मैं ब्रांड वगैरह दिखाऊं तो भाई अपनी ब्लाउपंक कंपनी की पूरी LED अपग्रेड हो रही है। और आप लोग उसके पूरे स्पेक्स वगैरह देखनी है तो ये इसकी पूरी स्पेक्स, ये देखो पूरा। और वॉट की बात करें तो गाइस 70 वॉट इसकी पूरी टोटल पावर है। और जो भाई अपना फॉर्चुनर के अंदर हाई बीम में डलता है वो डलता है 9005 नंबर। तो लो बीम में आप लोगों को पता होगा इसके अंदर ऑलरेडी हमारी HID आती है, तो इसमें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होती। अपना हाई बीम के अंदर इसके अंदर गाइस पूरी LED और फॉग लैम्प के अंदर भी पूरी अपनी ब्लाउपंक की LED अपग्रेड हो रही है। तो भाई पूरा कंप्लीट आगे से वाइट सेटअप हो जाएगा। तो एक बार इसे भी होने देते हैं, होने के बाद जब इसका पूरा फाइनल आउटपुट आएगा वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर नेक्स्ट इसकी बात करें तो गाइस इसका पूरा सिस्टम वगैरह भी अपग्रेड हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो वायरिंग वगैरह का काम हो चुका है, और हमारी ब्लाउपंक कंपनी की पूरी वायरिंग है, जैसे भाई बैटरी से पूरा इसका कनेक्शन दिया जा रहा है, तो अभी काम चल रहा है वायरिंग का। ये देख लो पूरी वायरिंग यहाँ पे जा रही है, आप देख सकते हो भाई पूरी अपना फ्यूज दे रहा। और यहाँ पे आप लोगों को ब्लाउपंक का ही भाई पूरी ब्रांडिंग दिख रही होगी, अपनी 4 गेज की ये वायरिंग है। तो एक बार इसे भी होने देते हैं, जब ये भी हो जाएगा फाइनल लुक आप लोगों के साथ सेट कर देंगे। सो गाइज, इसका पूरा इंटीरियर और ऑडियो वगैरह हर चीज़ अपग्रेड हो रही है। तो जो हमारा काम है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अपने पूरे डैम्पिंग जो सिटी के ब्रांड की है वो डैम्पिंग लगनी चालू हो चुकी है, अंदर वाले पार्ट हो चुका है और सिर्फ बाहर वाला पार्ट रह गया। तो डुअल अपनी लेयर में हो रही है, ये देखो अंदर वाली पार्ट भी और बाहर वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो रहा है। उस साइड अगर आप लोगों की डैम्पिंग दिखाऊं तो वो हो चुकी है। हमारा गाइस इसका पूरा रूफ वगैरह, पिलर्स वगैरह, सीट कवर वगैरह, हर चीज़ मतलब पूरा इंटीरियर जो होता है वो भी कंप्लीट रेडी हो रहा है। तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा जब आ जाएगा। अभी आप लोग रॉ लुक देख सकते हो, तो पूरा सेटअप देख लो। तो चंदन भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो चंदन भी एक बात बताओ, ऑडियो इसमें हम क्या अपग्रेड कर रहे हैं? या कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सबवूफर ऐड नहीं करना, प्लस मुझे स्पीकर्स में मिड बास और पंच बहुत अच्छा चाहिए। तो मैंने उनको फ्लक्स का नियो कंपोनेंट सजेस्ट करा, जो कि वो फ्रंट डोर्स में वो लगा रहे हैं, प्लस रियर में उनको ट्विटर्स इतना पसंद नहीं थे तो उनमें कोएक्सल लगाए हैं DD की EX सीरीज के। और भैया इन्हें पावर क्या कौन करेगा? इन्हें पावर करने के लिए जो 4-चैनल एम्प हम लोग यूज कर रहे हैं वो है अपना DD का ही 4.60। तो मतलब एक सिंगल एम्पलीफायर, एक पेयर कॉम्पोनेंट और एक पेयर हमारा कोएक्सल लगा है। सब ऊपर वगैरह हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भैया इसमें स्टीरियो वगैरह भी कुछ अपग्रेड कर रहे हैं? यूनिट भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। सोनी की नई चीज आई है, टैबलेट है जिसमें अपना वेब लिंक वगैरह है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 8000 नंबर वो लगा रहे हैं। तो गाइस भैया ने आप लोगों को टेक्निकल सारी स्पेक्स बता दिया, तो एक बार इसे पूरा रेडी होने देते हैं, इसका पूरा जो ये वाला पार्ट है इंस्टॉल होने देते हैं, पूरा स्टीरियो वगैरह। और डैम्पिंग तो हो चुकी है इस साइड की भी, देखो भाई सिंगल शीट में हमने डैम्पिंग हो रही है। और जैसे इसका डोर काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे भी एक लेयर और ऐड करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी है डैम्पिंग। सो सिंगल शीट तो गाइस यहाँ पे हमारी पूरी लग चुकी है, और यहाँ पे अपनी एक लेयर और ऐड होगी क्योंकि इतनी बड़ी हमारी डैम्पिंग नहीं है कि भाई ये पूरा कवर कर ले। तो फिर आप देख सकते हो अंदर वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, और बाहर जितने भी परफेक्शन वाला काम है वो चल रहा है। एक बार आप लोगों को पीछे से दिखा देता हूँ, हमारी जो डैम्पिंग है वो पीछे हो चुकी है कंप्लीट। ये देख सकते हो भाई अपनी सिंगल शीट यहाँ लग चुकी है और यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ा है। ये देखो पूरे देख सकते हो भाई H2H अपनी पूरी डैम्पिंग लग चुकी है यहाँ पर, जितनी रिक्वायरमेंट थी। और उस साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरी डैम्पिंग वगैरह। तो अभी भाई फ्रंट जो हमारे बैक में कोएक्सल है वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं DD के, आप लोग देख सकते हो पूरी ब्रांडिंग और सब कुछ जो सेटअप है यहीं पर था। और आगे जो अपने कॉम्पोनेंट्स है प्लक्स के वो भी इंस्टॉल होना चालू हो रहे हैं। तो भाई आगे आगे जैसे जैसे जो भी काम होता है, इसके पूरे रूफ वगैरह जो भी रेडी होती है, स्टीरियो वगैरह लगता है, सब के साथ मैं शेयर करता हूँ। सो गाइज, मीनवाइल इसका ऑडियो का और पूरा इंटीरियर का काम रेडी हो रहा है। मैं आप लोगों को इसके बाहर से जो थोड़ी से कस्टमाइज चेंजेस जो हुए थे वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई जिन कस्टमर की गाड़ी थी उन्हें बाहर से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए थे, उन्हें बिल्कुल सिंपल सोबर चाहिए था। तो आप लोग देख सकते हो उसके अंदर पूरी अपनी आफ्टर मार्केट जो टेल लाइट्स है वो इंस्टॉल हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई दो अपने L टाइप बन रहे हैं, और ये अपने पार्किंग है, ये अपने ब्रेक्स, और ये अपनी गाइस जो रिवर्स और इंडिकेटर। तो नॉर्मल इंडिकेटर वगैरह भाई कुछ इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल जैसे अपने जो हेलोजन आता है वही है। और अगर लाइट से थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसके अंदर अपने जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी अपग्रेड हुआ है। ये देख लो पूरी आप पूरी लुक देख सकते हो इसकी।
और पीछे अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो इसके अंदर पूरी जो अपनी बूट की स्कफ प्लेट है वो भी इसके अंदर पूरी एड ऑन हुई है। साथ में थोड़ी सी सेफ्टी के लिए अपने बैक में गाइस जो गार्ड है वो भी अपग्रेड हुआ है। तो ओवरऑल लुक आप देख सकते हो कुछ ऐसी आ रही है पीछे से। और पूरे देखो अगर लाइट्स की लुक दिखाऊं भाई बहुत ही शानदार आ रही है। फॉर्च्यूनर में भाई ये लाइट्स लगाने के बाद बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है हमारी। तो ये भी आप देख लो भाई आगे आगे जैसे जैसे जो भी काम होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस जो हमारा इंटीरियर था वो भी अब अपना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आप लोग सबसे पहले भाई इसका पूरा डोर वाला पार्ट देख सकते हो, अपना पूरा लेदर में ये हुआ है। प्लस भाई यहाँ पे स्टिचिंग दी गई है लुक के लिए, तो ये काफी बढ़िया लग रहा है। तो पूरा जो गाड़ी का इंटीरियर रेडी हो रहा है भाई वो ब्लैक में ही हो रहा है। और जो अपने पिलर्स वगैरह है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पिलर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी भाई पूरे हैंडल्स के लिए कटिंग वगैरह होगी। कंप्लीट भाई लेदर लगा है अपने स्टेलियन कपड़े में और यहाँ पे भी स्टिचिंग हुई है भाई। काफी बढ़िया लग रहा है अगर आप दोनों की लुक देखोगे तो। देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और जब भाई गाड़ी के अंदर पूरा इंस्टॉल होगा जब पूरी लुक आएगी वो तो आप लोग देखोगे। साथ के साथ जो हमारी रूफ है वो भी अब फाइनली रेडी होकर आ चुकी है, तो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अपना पूरा भाई जो स्वेट वाला कपड़ा होता है वो इसके अंदर लगा है। और डिजाइन भाई अपने डायमंड डिजाइन है, देखो अपना हल्का हल्का डुअल शेड मारता है। पूरी लुक देख लो। अभी शायद आप लोगों को थोड़ी अजीब सी लग रही होगी बट भाई असली में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी फील है और हाथ वगैरह लगाने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है। देखो पूरी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, पूरी फिटिंग वगैरह अपनी यहाँ पे हो चुकी है। तो एक बार इसे भी इन सबको गाड़ी पे भी इंस्टॉल होने देते हैं, फिर जब फाइनल लुक आएगी वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सो गाइस एक बार ही मैं आप लोगों को पूरे सीट कवर वगैरह भी दिखा देता हूँ जो अपने इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये भाई कुछ अपनी स्टॉक सीट है जो एसी है जिसमें भाई कवर वगैरह नहीं लग रहे। और जो हमारे सीट कवर है वो अपने ऑल ब्लैक विद भाई जो अपनी लाइनिंग स्टिचिंग है वो इंस्टॉल हो रही है। तो अपनी ये फ्रंट की एक सीट है भाई जिसका काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, बस फिनिशिंग का काम रह गया है। तो आप लोग पूरी एक बार लुक देख सकते हो, सारा काम वगैरह अपना चल रहा है। अपनी जो रियर की सीट्स हैं उसका पूरा इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। तो एक बार आप रॉ लुक भी देख लो पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह की, जब भाई सीधा गाड़ी के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगी जब पूरी गाड़ी की फाइनल लुक, प्लस साथ में आपको ऑडियो सेटअप वगैरह सब मैं इसका सुनाता हूँ। सो गाइज मीनवाइल हमारे सीट कवर पूरे इंस्टॉल हो रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को पूरे कंपोनेंट्स भी दिखा देता हूँ जो अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भाई फ्लक्स के जो नियो कंपोनेंट्स हैं ये अपने आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ये देखो काफ़ी बढ़िया भाई ये कंपोनेंट है और पूरी लुक वगैरह इसकी आप देख सकते हो। बाकी भाई आउटपुट वाइज बहुत 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 बढ़िया है, ये मैंने पर्सनली सुन रखे हैं, काफ़ी बढ़िया इसका आउटपुट आता है देख लो। देखो और अगर मैं आप लोगों को इसकी ट्विटर वगैरह की प्लेसमेंट दिखाऊँ तो अपनी कुछ ऐसी ट्विटर की प्लेसमेंट हुई है। देखो फ्लक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही होगी। तो भाई काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है और फिटिंग देखो भाई बहुत ही OEM वाली फिट आई है पूरी। ये देखो तो कोएक्सियल तो जो हमारे यहाँ पे फिट हो चुके थे, जस्ट हमारे जो कंपोनेंट्स है वो आगे भी फिट होना चालू हो रहे हैं क्योंकि डैम्पिंग का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार उसे भी फिट होने देते हैं, जब फाइनल इसका सारा ऑडियो का काम हो जाएगा फिर आप लोगों को पूरी वायरिंग वगैरह प्लस कैसे कैसे इंस्टॉलेशन हुई है वो सब दिखा दूंगा, फिर उसके बाद पूरे इसका आउटपुट वगैरह सुनाता हूँ। सो गाइस जो हमारा डीडी का पूरा एम्प था C4.60 भी पूरा इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और भाई वायरिंग देखो कितनी बढ़िया तरीके से पूरी वायरिंग हो गई है यहाँ पे। देखो कोई भी भाई कुछ भी कुछ क्लिमजी सा नहीं लग रहा, कुछ हर चीज जो प्रॉपर विजिबल है। ये वाली जो वायरिंग देख रहे हो ये आप लोगों को दिख रहा होगा पूरी, भाई जो अपनी पैरों वाली लाइट है वो भी अभी इंस्टॉल हो रही है, उसकी आ चुकी है, बिल्कुल ओके काम हो चुका है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो अपने भाई RC लीड वगैरह, बैटरी वायर वगैरह, स्पीकर वायर, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। और आप लोगों को जो हमारा कंपोनेंट्स है वो भी दिखा देता हूँ अपना। ये देखो भाई फ्लक्स का जो कंपोनेंट्स है इंस्टॉल हो चुका है और जो क्रॉसओवर है वो अपने यहाँ पे लगा है। तो ये आप देख सकते हो भाई कितना बढ़िया तरीके से काम हो रखा है, कोई भी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा वायर नहीं दिख रही और देखने में लग रहा है कितना क्लीन सेटअप है पूरा। जस्ट अब जो नेक्स्ट काम है वो हमारा भाई स्टीरियो इंस्टॉल होना चालू हो चुका है, जो सोने का अपना टैबलेट था वो लग रहा है अभी, वायरिंग वगैरह हो चुकी है, जैसे भाई प्लग एंड प्ले करके पूरा सेट करना है। और सीट्स वगैरह भी हमारी पूरी बढ़िया तरीके से इंस्टॉल होनी चालू हो चुकी है, रूफ वगैरह इंस्टॉल हो चुकी है। तो एक बार ये सबको कंप्लीट होने देते हैं फिर उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज अब गाड़ी का फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है और एक बार आप भाई पूरी लुक देख सकते हो इंटीरियर की, मैं आपको पूरा इसका पूरा गत्ता वगैरह दिखा देता हूँ। ये काफी बढ़िया लग रहा है। मैट भी गाइस इसके अंदर पूरे अपग्रेड हो चुके हैं अपने 70 मैट्स, उस साइड से एक बार पूरी लुक आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देख लो और सीट कवर भी देखो भाई बहुत ही बढ़िया फिटिंग आ रही है। ये देखो अपना जो आर्म रेस्ट होता है गाइस वो तक इसके अंदर पूरा चेंज हुआ है विद स्टिचिंग, पूरे एक बार लुक देख सकते हो आप। और पीछे से भी दिखा देता हूँ भाई, पीछे से पूरा डोर वगैरह आप देख सकते हो। और भाई सीट कवर जेनरली बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो इसका पूरा बेज इंटीरियर था उसे चेंज करके पूरा अपना भाई इसे ब्लैक कर दिया गया और नीचे भी से भी पूरे 70 मैट्स की लुक आप देख सकते हो। आप लोगों को पिलर्स दिखाऊं और साथ में रूफ दिखाऊं, ये देखो पूरी लुक भाई पिलर्स काफी शानदार लग रहे हैं क्योंकि भाई जो स्टिचिंग वाली इफेक्ट आ रही है वो देखो काफी अच्छी आ रही है, पूरे लुक वगैरह देखो पूरा आप देख सकते हो भाई। और अगर बाहर निकल के थोड़ी सी लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसी लुक आ रही है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना इंटीरियर वगैरह की लुक कैसी लगी, देख लो
और जो भाई लास्ट चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो पूरा इसका जो आउटपुट था, तो आप एंड्रॉइड का पूरा टैबलेट वाला स्टीरियो देख सकते हो जो इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे गाइस मैंने अपने एनसीएस का म्यूजिक ऑन कर लिया है, तो एक बार मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ, फिर एक बार आप पूरा आउटपुट वगैरह सुनो इसका। आउटपुट आप लोगों ने सुन लिया होगा भाई, जो मिड बेस आ रही है बहुत ही शानदार आ रही है, अपनी जो सबवूफर थी उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही और मतलब क्लियर बहुत ही बढ़िया आ रही है। प्लस भाई जो एक लास्ट चीज बिल्कुल रह गई है वो आप लोगों को जो एलईडी का रिस्पांस है वो भी दिखाना रह गया है, तो आप लोग देख सकते हो अपने फॉग लैंप्स वगैरह सब कुछ ऑन हो चुके हैं और पूरा आउटपुट वगैरह देख सकते हो। एक बार आप लोगों को सामने से जो फाइनल लुक दिखा देता हूँ इसकी, पूरी LEDs वगैरह की फाइनल लुक देख लो भाई, कितना ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पे देख सकते हो आप, और रोड पे पूरी अपनी रोशनी हो चुकी है देखो यहाँ से पूरा। तो भाई गाड़ी के अंदर जो भी आज कंप्लीट मॉड्स हुए थे वो सब मैंने साथ आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात करते हैं भाई चंदन भैया से कि इसमें टाइम वगैरह और कितना ज्यादा पैसे वगैरह स्पेंड हो गए। तो गाइस आई होप आप लोगों ने फॉर्च्यूनर के अंदर जितना भी काम हुआ था सब आप लोगों ने देख लिया होगा, हर एक चीज आप लोगों ने क्लियर देख ली होगी। तो भाई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में भैया वैसी बहुत सारी फीचर्स लोडेड होते हैं, बट जितनी रिक्वायरमेंट थी मेरे साथ सारी हमने इसमें लगा दिया। बिल्कुल, ऑडियो अपग्रेड वो कर दिया, इंटीरियर अपग्रेड वो कर दिया, लाइट्स अपग्रेड हो गई, और कुछ अपना बचा ही नहीं है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, उन्हें हर चीज सिंपल और क्लासिक चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा बाहर से कुछ नहीं करा, अंदर वो कहते थे मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए तो अंदर से ज्यादा। तो भाई वही वाली बात है, जितना भी काम होता है ना भाई वो हर चीज का मतलब आपका कस्टमर स्पेसिफिक होता है, ये नहीं है कि भाई आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेम काम कराना है, किसी का मन होता है कुछ और कराने का, किसी का मन होता है भैया मुझे इस टाइप का सेटअप चाहिए, तो वो भैया रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। कई कस्टमर आते हैं उनको लाउड चाहिए, फिर हम लोग उसके हिसाब से प्लान करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें क्लैरिटी चाहिए, कई लोग कहते हैं अब जैसे ये कस्टमर थे इनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सिर्फ मिड बेस चाहिए और स्पीकर्स का पंच अच्छा चाहिए कि मुझे हर चीज क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे। बिल्कुल, तभी हमने इसमें फ्रंट में फ्लक्स और रियर में डीडी के को एक्सेल वो सजेस्ट करें। और किसी को भी अगर लाउडनेस ज्यादा चाहिए तो फिर वो दो पेयर कंपोनेंट्स ऐड कर सकता है। तो भाई वही वाली बात है, जो आपका मन करे आप बोलो भैया मुझे ऐसी आवाज चाहिए तो भैया आपको भाई बिल्कुल वैसी आवाज निकाल के देंगे, आप बोलो भैया मुझे ऐसे इंटीरियर रेडी चाहिए तो हम ऐसे निकाल के देंगे। ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ एक जो काम हो रहा है वो सेम काम होता है, हर बारी भाई कुछ इनोवेशन आप लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आज इनोवेशन ये था कि सिर्फ आपको कंपोनेंट्स की आवाज सुनाई, सबवूफर वगैरह हमने ऐड नहीं करा, वरना ज्यादातर भाई सबवूफर वगैरह ऐड हर चीज होती है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा आज हेल्पफुल वीडियो रही होगी जिनको एक बेसिक सा सेटअप रेडी कराना था, बट जो भी चाहिए था ब्रांडेड और क्लैरिटी वाला चाहिए था। अब भैया बात करते हैं सेटअप की प्राइसिंग की, तो कितने रुपए का सेटअप रेडी हो गया था भैया? अप्रोक्सीमेट जो ऑडियो में सेटअप आया है उसकी कॉस्टिंग 35,000 के अप्रोक्स है। अप्रोक्स है, प्लस भैया हेड यूनिट इसमें अलग है जी। हेड यूनिट भी अपनी क्या प्राइसिंग जो बता दो अप्रोक्सीमेट उसकी डीपी आप कह सकते हो सेलिंग प्राइस 26,000-26,500 और एमआरपी पे 34 है जी। तो भाई आप लोग देख सकते हो बढ़िया अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, ये नहीं आपको सिर्फ एक ही चीज पे डिस्काउंट मिलेगा, आप जितना भी काम कराओगे उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और भाई जितना आपने एक्सपेक्ट करा होगा ना उससे ज्यादा ही आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। बस आप आगे अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, भैया मुझे ये ब्रांड चाहिए, आप मुंह से आवाज निकालो और वो ब्रांड अपने पास मिल जाएगा। ऑडियो से रिलेटेड तो भाई खास कर है, क्योंकि भाई मुझे जो पर्सनली भैया का सबसे ज्यादा काम पसंद आता है वो ऑडियो से रिलेटेड पसंद आता है, और भाई पूरा फोकस यही होता है कि मैं हर एक चीज दिखाऊं, मतलब कंप्लीट सेटअप होता है। आपको एलॉयज चाहिए एलॉयज है, आपको इंटीरियर चाहिए इंटीरियर है, मतलब हर सारा काम हो जाता है एक टोटल शॉप पे आपके भाई कार मॉडिफिकेशन की, आओ खड़ी करो और अपना काम करा सब हो जाएगा। प्लस भैया जो इंटीरियर ने रेडी करा उसमें टाइम कितना लगता है? अप्रोक्सीमेट मान के चलो पूरा दिन। पूरा दिन लग जाता है। और अगर जैसे भी इसमें इंटीरियर में और कुछ तो नहीं रह गया था, इस कंप्लीट ही हो गई थी बिल्कुल? बेसिक काम देखिए उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, उनको सिंपल चीज सोबर चीज चाहिए थी वो सब कर दी पूरी। इसके अलावा कस्टमर्स मांगे और चाहिए, पेंट वर्क चाहिए, लेदर वर्क चाहिए, वो सब भी हो जाएगा। डैशबोर्ड किसी को रेडी कराना वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो भाई जैसा आपका मन है उस हिसाब से आप करवा सकते हो। प्लस भैया जो भी हमने सारा आज काम कराया इनकी वारंटी गारंटी क्या रहती है भैया? हेड यूनिट की 2 ईयर्स है,
ऑडियो के जितना काम है उसकी 1 ईयर है, डैम्पिंग की 2 साल है, और जो इंटीरियर वर्क करा है उसकी भी 2 साल है, प्लस भी एलईडी जो अपग्रेड करी हमने उसकी 1 साल है, 1 साल है। और जो आफ्टर मार्केट लाइट्स है उसके तो कोई आती नहीं है, खराब होती ही नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो भाई आफ्टर मार्केट लाइट की नहीं होती, बाकी जितना भी काम हुआ हर चीज की वारंटी है। ये नहीं कि आपने एक बार ही काम करा लिया और आपके भाई पैसे खराब हो गए, कोई भी दिक्कत आती हो भाई आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया ठीक होके अच्छे खासे वो मिलेगी। तो भाई आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। भैया के साथ मिलके भाई कोशिश मैं यही करता हूँ कुछ नई चीज लाऊं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लाऊं, और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज ही मिली। तो वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करना है, कमेंट करनी है, शेयर करना है और भाई सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट हो भैया को कॉल कर लो, भैया कॉलिंग की टाइमिंग भी बता दो एक बार, सुबह 11 बजे से रात को 8:30 बजे तक। तो भाई जो भी आप लोगों को डाउट हो इससे रिलेटेड है, किसी और ऑडियो से रिलेटेड, किसी और इंटीरियर से रिलेटेड, भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, भाई आप लोगों को जो भी आप लोगों के डाउट है सब क्लियर कर देंगे। तो कर रहे हैं अपनी वीडियो बस यही है, थैंक यू।